डेयरी फार्म सिपाही के दादा जी आए हैं अपने मित्र के साथ बातें करते हुए। देखिए ये वर्कआउट कर रहा है पहलवान। तो दोस्तों आज की सुबह मेरे गांव में मेरे घर पे तो घर का माहौल थोड़ा अलग है क्योंकि हमारा नया घर बन रहा है। तो अभी पुराने मकान को गिराएंगे और सारा सामान अभी बाहर निकाला जा रहा है। आपको दिखा देता हूँ मैं दृश्य। ये था हमारा पुराना मकान, अभी इसको गिराएंगे। अभी सारा सामान जो भी अंदर अलमारी वगैरह सब बाहर निकाल रहे हैं ये मेरे छोटे भाई बहन। मैं बहुत ही लंबे टाइम बाद घर पे आया हूँ, तो देखते हैं आज का दिन घर पे मेरे गांव में कैसा रहता है, आपको दिखाएंगे। आज आप मेरे साथ बने रहना। तो मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी काफी समय से मैं कुछ वीडियो एडिट कर रहा था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, भाई दोनों मेरे पास खेल रहे हैं। इनको कल से जब से मैं आया हूँ बहुत इनको खुशी हुई हुई है कि हमारा बड़ा भाई आ गया। ऐसे दोनों खेलते रहते हैं, गाँव के बच्चे हैं। दोस्तों अभी हम कुछ भोजन करेंगे फिर टहलने चलेंगे, आपको गाँव का दृश्य दिखाएंगे। बारिश आई हुई है तो बड़ा अच्छा दृश्य है गाँव का। ये मेरे दादाजी हैं, सामने बैठे मेरी दादी जी हैं, ये हैं हमारे पशु। और इधर से दोस्तों ये हमारे खेत हैं, सामने ये पशु हैं। ये पशुओं को नहाने के लिए इनका स्विमिंग पूल है। ये नया मेहमान है, कुछ दिन पहले ही आया है। ये हमारी वेरी है जो कि बहुत पुरानी है, बचपन हमारे इसकी छाया में खेलते हुए वेर खाते हुए गुजरा है। यहाँ खेतों को पानी देने के लिए यहाँ से ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से ये पूरा बना हुआ है आगे तक खेतों में जाता है। ये दोनों मेरे बापूजी और बेबे दादा और दादी बैठे हुए हैं। तभी दादा जी बता रहे थे कि इनकी उम्र 76 76 साल हो चुकी है और दादी जी की 70 साल हो चुकी है। दोस्तों देखिए दोस्तों ये बच्चा मेरा छोटा भाई बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जब से मैं आया हूँ मेरे आसपास ही है ये। ये है हमारा घर जो अभी तोड़ा जा रहा है पुराना मकान, अभी इसको नया बनाया जाएगा। ये रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है, ये पीछे गुरुद्वारा है और इधर है मेरे जहां पर दादा दादी चाचा सब रहते हैं। और तो सामने हमारे खेत हैं दोस्तों, देखिए बड़ा ही अच्छा दृश्य है दूर दूर तक। दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ भोजन, पास मेरे माता जी हैं रेडी खड़े हुए हैं और ये छोटा भाई। दोस्तों गाँव का भोजन काफ़ी लंबे समय बाद कर रहा हूँ मैं, काम चल रहा है दोस्तों। और जी मेरा भाई देखिए कुछ सामान उतारा ऊपर से। दोस्तों ये है गुरुद्वारा, अब क्या है हमारा नया घर बन रहा है तो यहाँ पर हमारा सामान सारा गुरुद्वारे में ट्रांसफ़र किया गया है। अब हम जब तक घर बन नहीं जाता एक दो महीने यहीं पर रहेगा सारा सामान। ये मम्मी सफाई कर रहे हैं यहाँ पर और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। अब जो घर का अलमारी कपड़े और बर्तन सब सामान यहीं पर गुरुद्वारे में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जितना भी समय लगेगा 1-2-3-4 महीने तब तक हम यहीं पर रहेंगे जब तक घर बनेगा। दोस्तों दोस्तों अभी हम बाइक पे दादाजी के साथ आए हैं थोड़ा घूमने के लिए और बारिश काफ़ी हुई है तो दादाजी बोले मेरे को फसल देख के आनी है। इधर देखिए दोस्तों फसलों में पानी भर चुका है, लगभग जिंदारमे की फसल है, ये तो ख़राब हो ही जाएगी, आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरे दादाजी हैं, अच्छा लगता है जब दादाजी के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी हैं दोस्तों हम हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, ये पीछे मेरा गाँव है और दोस्तों ये सामने पंजाब शुरू हो जाता है। यही दोस्तों मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए यहाँ लगा भी हुआ है, ये अपना इधर हरियाणा है ये और अब ये पंजाब है। इस प्लांट चलाने में अलग ही मजा आता है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम कद्दू देख रहे हैं तो दादाजी बोले यहाँ कद्दू देख लेते हैं, मिल गए तो सब्जी बना लेंगे। ये कद्दू लगे हुए यहाँ पर, हालांकि काफ़ी घास फूस हो चुका है, फिर देख ढूंढता हूँ अगर कुछ मिले तो। देखिए यहाँ पर कोई ये पक्के हैं, ये किसी ने तोड़ के यहाँ फेंक दिए हैं। यहाँ पर कद्दू दोस्तों ऐसे तो काफ़ी हैं लेकिन ये पके पड़े हैं, जो गांव के हैं वो तो पहचान सकते कौन पके कौन कच्चे, लेकिन जो शहर के हैं होते हैं शायद उनको नहीं पहचान आएगी। फिलहाल दोस्तों कद्दू तो नहीं मिले और मैं और मेरे दादा अभी आ रहे हैं वापस। ये भी अपने साथी से बातें कर रहे हैं, दोनों ही बड़ी एज के हैं। तो दादाजी तो चल दिए पैदल पैदल, बोले तुम चलो बाइक पे, मैं आ रहा हूँ बातें करते करते। दोस्तों दादाजी तो चले गए, उनको रास्ते में उनका एक मित्र मिल गया, बातें करते करते वो देखो आगे जा रहे हैं, वो कह रहे चलो तुम बाइक पे आओ मैं इतने आगे मिलता हूँ। देखिए दोस्तों ये है नज़ारा गाँव की दुनिया का, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये कुदरत में और ये चारों तरफ नेचर है। मिलते हैं आगे। तभी दादाजी आए हैं अपने मित्र के साथ बातें करते हुए, तो काफ़ी लंबी बात हुई इन लोगों की, अभी फाइनली हम जा रहे हैं। पार्क है नेहरी फॉल सिपाही के,
ਉਹ ਠੇਕੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੂ ਕੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚਦੀ ਗਾਹੋਂ ਸਾਡੇ ਰਮਦਾਸ। अभी हम घर पे आ गए हैं, दादी सब्जी काट रहे हैं, दादी रेस्ट कर रहे हैं, फिर बच्चे देखियो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये वर्कआउट कर रहा है पहलवान हमारा। तो दोस्तों अभी शाम डल चुकी है, रात हो रही है और फिलहाल मैं सब्जी काट रहा था, थोड़ी हेल्प कर रहा था। देखिए मेरे पास ये बैठा हुआ है, ये अपने आप में व्यस्त है और मैं भी सब्जी कट कर रहा था। तो सब्जी मैंने चीर दी है और मम्मी बना रही रोटियाँ। कद्दू तो मेरी बहुत अच्छी सब्जी लगती है, मेरे को बचपन से ही फेवरेट रही है। तो पूरा दिन आज गांव वाली जिंदगी जी, अभी थोड़ा थक चुके हैं, अभी मैं स्नान कर रहा हूँ। तभी हम डिनर कर रहे हैं, यह मेरे छोटे भाई और सब्जी है कद्दू की। दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।